वेस्टर्न लुक, हॉट अंदाज और कपड़े पहनने में कंजूसी। 70-80 के दशक की भारतीय फिल्म की ऐसी अभिनेत्री जिसने उस दौर की नायिकाओं की परिभाषा को बदल कर रख दिया। बोल्डनेस की वजह से उनके फैंस ने उन्हें सेक्स सिंबल खिताब से नवाजा। कभी उन्हें अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया, इसके बावजूद उन्होंने उस दौर के नामी फिल्म मेकर के साथ काम किया। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्मों में वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश कर धमाका मचाने वाली जीनत अमान की। जीनत ने जब फिल्मों में कदम रखा तब ज्यादातर हीरोइनें इंडियन लुक में नजर आती थी, लेकिन जीनत ने वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश कर धमाका कर दिया। जीनत अमान को बॉलीवुड की उस हीरोइन के रूप में याद किया जाता है जिसने 70-80 के दशक की नायिकाओं की परिभाषा को बदल कर रख दिया। 19 नवंबर 1949 को मुंबई के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता अमुनल्ला खान एक फेमस स्क्रिप्ट राइटर थे और बतौर सहायक उन्होंने मुगले आजम और पाकिजा जैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। वो अमान नाम से लिखते थे। अमानुल्ला भोपाल राज्य पर शासन करने वाले परिवार से ताल्लुक रखते थे। जीनत खान जब 13 साल की थी तब उनके पिताजी गुजर गए। जीनत ने अपने पिता का नाम अपने नाम से जोड़ लिया और वो जीनत खान से जीनत अमान बन गई। बाद में उनकी माँ सीदा ने हेंज नामक जर्मन पुरुष से शादी कर ली और वो अपने साथ जीनत को भी जर्मनी ले गई। जीनत ने अपनी स्कूली शिक्षा पंचगनी के एक स्कूल के बाद वो फिर आगे की पढ़ाई के लिए लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में पढ़ी, लेकिन वो अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी ना कर सकी। 18 वर्ष की आयु होने पर पढ़ाई अधूरी छोड़ जीनत भारत में करियर बनाने के लिए वापस आई। पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी। जीनत ने बतौर पत्रकार फेमिना में काम किया। पत्रकारिता करते हुए जीनत का रुझान मॉडलिंग और फिर एक्टिंग की तरफ हुआ। ताजमहल चाय के लिए उन्होंने मॉडलिंग की। इस दौरान मॉडलिंग करते हुए जीनत ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया जिसमें वो दूसरी रनर अप रही। वो मिस एशिया पैसिफिक बनी, जिसके बाद जीनत ने फिल्मों का रुख किया। जीनत को ओपी रहलन ने 1971 में हलचल फिल्म से मौका दिया जो उनकी पहली फिल्म है। इसके बाद उनकी फिल्म हंगामा आई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। फिल्में ना चल पाने की वजह से उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन इसी बीच उन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा ऑफर की जो 1971 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने जैसे जीनत के लिए संभावनाओं के सारे दरवाजे खोल दिए। हरे राम हरे कृष्णा के लिए जीनत पहली चॉइस नहीं थी। पहले जीनत वाला रोल जाहिदा को ऑफर हुआ था, लेकिन वो देवानंद की बहन के बजाय उनकी प्रेमिका बनना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने फिल्म छोड़ दी। हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत ने अपने वेस्टर्न स्टाइल को इस तरह से पेश किया कि वह करोड़ों दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गई। उन पर फिल्माया गया गीत दम मारो दम आज भी युवाओं को काफी पसंद आता है। जीनत को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और ये फिल्म हिट रही। फिर क्या था, जीनत का फिल्मी करियर शुरू हो गया। देवानंद जीनत को बेहद पसंद करते थे। जीनत के साथ उन्होंने हीरा पन्ना, इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग और कलाबाज जैसी फिल्में की। बरसों बाद देवानंद ने स्वीकारा था कि वो जीनत अमान को चाहने लगे थे। 1973 में जीनत की फिल्म यादों की बारात ने उन्हें स्टार बना दिया। इस फिल्म में चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीत जीनत पर फिल्माया गया वो युवाओं के दिल की धड़कन बन गई। वेस्टर्न लुक, हॉट अंदाज और कपड़े पहनने की कंजूसी के कारण जीनत अमान मैगजीन की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। कई मैगजीन के कवर की उन्होंने शोभा बढ़ाई और इसी वजह से उन्हें कवर गर्ल कहा जाने लगा। जीनत अमान को कभी भी अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया, इसके बावजूद उन्होंने उस दौर के नामी फिल्म मेकर देवानंद, बीआर चोपड़ा, फिरोज खान, प्रकाश मेहरा, मनोज कुमार, मनमोहन देसाई और राज कपूर के साथ काम किया। 1978 में जीनत की दो बड़ी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और शालीमार आई। सत्यम शिवम सुंदरम को राज कपूर ने निर्देशित किया, जिनके साथ फिल्म करना हर हीरोइन का ख्वाब था। जीनत ने इस फिल्म में जमकर अंग प्रदर्शन किया और उन्हें कुरूप स्त्री के रूप में फिल्म में पेश किया गया। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद जीनत की जमकर आलोचना हुई, लेकिन इस फिल्म के जरिए जीनत को काफी स्टारडम भी मिला। जीनत अमान की वजह से ही देवानंद और राज कपूर इन दोनों दोस्तों के बीच में दरार आ गई थी। देवानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राज कपूर अपनी अपकमिंग मूवी सत्यम शिवम सुंदरम के लिए जीनत को कास्ट करना चाहते थे। इससे पहले राज कपूर जीनत को किसी फिल्म के प्रीमियर के मौके पर सार्वजनिक रूप से चूम चुके थे। इसे देव साहब को काफी जलन हुई थी। खैर, वो फिर भी जीनत को प्रपोज करने का मौका तलाश रहे थे, लेकिन राज कपूर और जीनत से जुड़ी अफवाह उन्हें सच होती दिखाई दे रही थी। इस तरह से राज कपूर और देवानंद साहब में जीनत को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट रही, जिसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे से दूर हो गए।
जीनत ने अपने दौर के नामी स्टार्स अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, राजेश खन्ना के साथ फिल्में की। किसी हीरोइन के बोल्ड अंदाज को देखकर उसे जीनत अमान कहा जाता है। जैसे प्रवीण बोबी को गरीबों की जीनत अमान, सारिका को जीनत अमान 2, पद्मनी कोहलीपुरे को बेबी जीनत और बिपाशा बसु को न्यू एज जीनत कहा गया। जीनत के फिरोज खान, इमरान खान, कमलजीत और संजय खान से भी नजदीकियों के चर्चे रहे। कहा जाता है कि संजय से उन्होंने शादी भी की थी जो कि कुछ दिनों तक ही टिक सकी। दोनों के बीच एक पार्टी में मारपीट की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी। दोनों के बीच मारपीट की वजह से जीनत की आंख पर चोट लग गई थी। संजय से अलग होने के बाद 1985 में जीनत ने मजहर खान से विवाह कर कई पुरुषों का दिल तोड़ दिया, लेकिन शादी के 13 साल बाद 1998 में मजहर की मृत्यु हो गई, जिन्हें उनसे अजान और जहां नामक दो बेटे हैं। फिल्म अभिनेता रजा मुराद की जीनत कजन है। जब सलमान खान ने मैंने प्यार किया देखने के लिए जीनत अमान को बुलाया तो फिल्म देखकर जीनत थिएटर से बाहर आई तो सलमान ने जीनत से फिल्म के बारे में पूछा। जीनत ने फिल्म की आलोचना कर दी और कहा कि एक ऐसी बचकानी फिल्म है जिसमें हीरोइन की एड़ी पर क्रीम लगाते हुए हीरो आंखें बंद कर लेता है। जीनत ने कई हिट फिल्में दी जैसे डॉन, अलीबाबा 40 चोर, सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, अब्दुल्ला दोस्ताना आदि। जीनत की कई फिल्में उनके अग्र प्रदर्शन के कारण याद की जाती हैं। बोल्डनेस को भी जीनत अमान ने नई परिभाषा दी। कैमरे के सामने हिचक तोड़ वो बिंदास तरीके से पेश आई और यही कारण है कि उनके फैंस ने सेक्स सिंबल खिताब से जीनत को नवाजा। अगर ऐसी दिलचस्प कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।